मेरा नाम प्रवीण वर्मा है और दोस्तों आपका एग्जाम ट्यूटर से स्वागत करता है। दोस्तों हम बात कर रहे थे खेलों की, तो खेल में हमने दोस्तों क्या क्या पढ़ लिया था। खेल में हमारा ओलंपिक्स हो गया, एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, क्रिकेट हो गया। अब हम बात करते हैं फुटबॉल की। इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों फुटबॉल की। तो दोस्तों फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल के बारे में जान लेते हैं क्या है। फुटबॉल का जो जन्मदाता देश है, जहाँ फुटबॉल का जन्म हुआ है, वो कौन सा है दोस्तों? फुटबॉल का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड है। दोस्तों फुटबॉल जो है विश्व में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला गेम है। दोस्तों फुटबॉल का जो है उसको चीन में सुजू के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल को इसे सॉकर भी कहते हैं, इसे वर्ल्ड गेम भी कहते हैं, और भी बहुत से नाम है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। आज हम फुटबॉल के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि फुटबॉल क्या है। फुटबॉल जो है वो ऐसा गेम है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, जो मनोरंजन का साधन भी है। ये विश्व में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला, टेलीविज़न में देखे जाने वाला और मैदान में भी देखे जाने वाला सबसे बड़ा गेम है। इसे हर देश के लोग खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। क्या है फुटबॉल? दोस्तों तो हम फुटबॉल के बारे में बात कर रहे थे, इसे सॉकर भी कहा जाता है। फुटबॉल का जो जन्मदाता है वो कौन है? इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, चीन में इसको क्या बोलते हैं? चीन में इसे सूचू के नाम से जाना जाता है। चीन में इसे क्या बोलते हैं? सूचू। फुटबॉल को हम दोस्तों सॉकर भी कहते हैं, इसे फुटबॉल टू वर्ल्ड गेम के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये विश्व में सबसे ज़्यादा खेलते जाना देखे जाने वाला गेम है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं कि फुटबॉल कैसा क्या है। तो हम बात करते हैं फुटबॉल कहाँ खेला जाता है। मैदान में खेला जाता है, फील्ड में। और इसका जो आकार होता है मैदान का वो कैसा होता है? आयताकार, ये देखो इस टाइप से होता है। ठीक है, इसका चौड़ाई कितना होता है? 60 मीटर का होता है। जो लंबाई है वो तकरीबन कितना होता है? 105 मीटर का। 105 मीटर का होता है। ठीक है, दोनों साइड गोल पोस्ट होते हैं, एक पीछे एक सेंट्रल लाइन होती है। इस तरफ भी गोल पोस्ट होगा, इस तरफ भी गोल पोस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो गोल पोस्ट की बात करें तो गोल पोस्ट कितना मीटर चौड़ा होता है? 7.32 मीटर। गोल पोस्ट का चौड़ाई होता है 7.32 मीटर। एक गोल पोस्ट है, क्या बोलते हैं इसको? गोल पोस्ट। इसका जो चौड़ाई होता है 7.32 मीटर होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसका ग्राउंड हाइट कितना होगा। मान लो अगर सामने फ्रंट व्यू से देखूं मैं तो गोल पोस्ट हमको कैसा दिखेगा? ऐसा। ठीक है, ये पीछे यहाँ पे नेट लगा रहेगा, जाली लगी रहती है गोल पोस्ट में पीछे साइड। ठीक है, इस टाइप से रहता है। मैं इसका 3D व्यू बनाऊं, ऐसा। तो ये पीछे साइड पे यहाँ पे जालियाँ लगी रहती है। इसका हम बात कर ले, इसका जो चौड़ाई है 7.32 मीटर होता है, और इसका जो ऊंचाई होता है वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है 2.44। ये दोस्तों ये क्या है? ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से गोलपोस्ट की ऊंचाई कितना होता है? 2.44 मीटर होता है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया भी है। ठीक है, अब गेंद की वजन की बात कर लेते हैं, सॉकर गेंद की। ठीक है,
जेसीबी है। सॉकर गेम की बात कर लेते, गेंद का वजन कितना होता है दोस्तों? गेंद का वजन कितना होता है? वो होता है 410 से 450 ग्राम तक गेंद का वजन होता है। टीम की बात कर रहे हैं कि टीम में कितने मेंबर होते हैं? पर साइड 11 मेंबर होते हैं विद गोलकीपर, गोलकीपर को मिला के। अब हम आगे बात करते हैं कि ओलंपिक में फुटबॉल को कब शामिल किया गया था। ओलंपिक की बात करते हैं, ओलंपिक में फुटबॉल को कब शामिल किया गया था। मेंस की बात करते हैं, मेंस टीम को शामिल किया गया था सन 1900 में, और वुमेन्स टीम को शामिल किया गया था 1996। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। पूछता है क्वेश्चन कि फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, महिला टीम और पुरुष टीम पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ कि फुटबॉल के जो नियम है किसने बनाया। फुटबॉल के नियम की बात कर लेते हैं। फुटबॉल का नियम कौन बनाता है? कैम्ब्रिज। कब से बनाना चालू किया इन्होंने फुटबॉल को, के नियम को? 1848 से इन्होंने फुटबॉल के नियम बनाने चालू किए। जैसे क्रिकेट के नियम कौन बनाता है? मैरी वॉलर क्रिकेट क्लब। इसी प्रकार फुटबॉल के नियम कौन बनाता है? फुटबॉल के नियम की बात कर लेते हैं तो कौन बनाता है? वो है रेमबेज। ठीक, कब से बनाना चालू किया इन्होंने? 1848। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? विश्व का पहला फुटबॉल क्लब, कौन सा है? वो है दोस्तों कौन सा? सेफील्ड। क्या नाम उसका? सेफील्ड फुटबॉल क्लब। सेफील्ड फुटबॉल क्लब कब बना था? 24 अक्टूबर 1857। दोस्तों आपको 1857 करके याद आया, 1857 की क्रांति, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, ये विश्व का पहला फुटबॉल क्लब बना था सेफील्ड फुटबॉल क्लब। कब बना था? 24 अक्टूबर 1857 को। अब भारत के पहले फुटबॉल क्लब की बात करते हैं। भारत का पहला फुटबॉल क्लब, भारत का कौन सा था पहला फुटबॉल क्लब? वो था डलहौजी। कौन सा क्लब था? डलहौजी क्लब, लॉर्ड डलहौजी क्लब। कब बना था ये? 1880 में। 1880 में कहाँ था? कोलकाता में बना था। विश्व का पहला सेफील्ड था, भारत का पहला फुटबॉल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, कोलकाता को फुटबॉल का घर भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय फुटबॉल का घर जो कोलकाता है उसको भारतीय फुटबॉल का घर कहते हैं। और जो हमारे यहाँ का राष्ट्रीय क्लब है, भारत का राष्ट्रीय क्लब, भारत का जो राष्ट्रीय क्लब है वो क्या है? मोहन बागान। मोहन बागान क्लब एक आविष्कार कब हुआ था? 1889 ये भी कोलकाता में। ये दोस्तों अब हमने क्लब की बात कर ली, अब क्लब के बात कर लेते हैं इसमें शब्दावली क्या है, किस शब्द का यूज किया जाता है उसमें फुटबॉल के साइन। ठीक है, इसमें दो कार्ड भी दिया जाता है, येलो कार्ड और रेड कार्ड। वार्निंग के तौर पर रेड कार्ड तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति, जब कोई प्लेयर को मैदान से बाहर बिठाना होता है उसको रेड कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, और वो किस केस में? जब वो दूसरे प्लेयर के साथ अभद्र बात करे या उसके साथ बुरा व्यवहार करे उस केस में उसको रेड कार्ड दिया जाता है। पहले उसको येलो कार्ड दिया जाता है, येलो कार्ड वार्निंग कार्ड होता है, उसको वार्निंग के लिए दो बार वार्निंग दी जाती है। ठीक है, उसके बाद उसको तीसरी बार में रेड कार्ड दे दिया जाता है।
की आप बात करते हैं शब्दावली, और शब्दावली से दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर मैक्सिमम टाइम शब्दावली से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी भी खेल की शब्दावली पूछ सकता है। शब्दावली में पहला है स्ट्राइकर, स्ट्राइकर जो स्ट्राइक करता है, जो किक मारता है बॉल को, स्ट्राइकर। सेंटर, फॉरवर्ड, ठीक है दोस्तों, मतलब जो सेंटर फॉरवर्ड ये जो है प्लेयर की पोजीशन होती है कि प्लेयर कहाँ से खेलता है, सेंटर से खेलता है या फॉरवर्ड खेलता है, आगे की ओर खेलता है, ठीक है, ये प्लेयर की पोजीशन है। फिर फुल बैक अगला शब्द है, फुल बैक। फिर क्या है, फ्री किक, फ्री किक दोस्तों फ्री किक कब मिलती है, जब फाउल हो जाता है या किसी का हैंड टच हो जाता है बॉल पे, या कोई किसी को पैर लगा देता है दौड़ने पे, बीच में अड़ा देता है, तो जब फाउल मिलता है उस टाइम फ्री किक मिल जाती है। स्वीपर, हैंडबॉल, ठीक है, क्या है, स्वीपर, हैंडबॉल, हैट्रिक, हैट्रिक मतलब कोई एक बंदा, कोई एक प्लेयर लगातार तीन गोल कर दे, 1 2 3 तो उसकी हैट्रिक हो जाएगी, ठीक है, हमने क्रिकेट में भी पढ़ा है हमने हैट्रिक। जब कोई बैट्समैन लगातार 3 सिक्स मार दे तो हैट्रिक, जब कोई बॉलर लगातार 3 विकेट ले ले तो उसका हैट्रिक, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसमें भी 3 गोल कर दे कोई अगर प्लेयर तो उसका हैट्रिक हो गया। टाई ब्रेकर क्या होता है इसमें, ठीक, अगला सब टाई ब्रेकर। फिर होता है ब्लैक पर्ल, ठीक है, आपको याद रखना है कि ब्लैक पर्ल किसका शब्द है, फुटबॉल का शब्द है ब्लैक पर्ल। टैकल, यहाँ पे टैकल भी होता है दोस्तों, टैकल। पास, पास तो आप समझ गए होंगे, जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को फुटबॉल देता है तो कहते हैं पास कर, मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों, बोलते हैं पास। मैंने किसी को फुटबॉल दिया, मेरे साथी खिलाड़ी को, तो मैंने उसको पास किया, ठीक है, पास। फिर आगे होता है कॉर्नर, कॉर्नर पॉइंट मिलता है जब फाउल हो जाता है उस केस में। मान लो ये हॉकी, ये अपने फुटबॉल का मैदान है, यहाँ गोल पोस्ट है, तो दोस्तों कॉर्नर मिलता है, देखो कैसे एक कोई प्लेयर यहाँ खड़ा है, इसको कॉर्नर दिया जाता है और यहाँ उसके कुछ प्लेयर खड़े रहते हैं, ठीक है, वो कॉर्नर से इनको पास करता है और ये लोग, और यहाँ पे गोलकीपर और उसके 2-3 सहयोगी यहाँ खड़े रहते हैं, वो इसको गोल करने से रोकते हैं, ये कॉर्नर होता है। कॉर्नर से वो यहाँ पास करेगा प्लेयर को और वो जो उसके साथ ही प्लेयर है वो इसको यहाँ पे गोल करने की कोशिश करेगा, ये होता है कॉर्नर। और होता है फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ दोस्तों फुटबॉल जो 90 मिनट का गेम, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे ट्रॉफी, ट्रॉफी क्या है इसकी, इसमें कौन कौन से ट्रॉफियाँ हैं, कौन कौन से गेम्स होते हैं फुटबॉल के, किस किस नाम से गेम होते हैं वो देख लेते हैं, किस नाम से होते हैं देखो, ट्रॉफी की बात करें, रोवर्स का क्या है, पहला रोवर्स का, रोवर्स का, रोवर्स का। अगला जो है कौन सा है, संतोष, संतोष ट्रॉफी। फिर है डुरंट कप, रोवर संतोष डुरंट। फिर क्या है, सुब्रतो कप, सुब्रतो कप। अगला क्या है, नेहरू गोल्ड कप,
गोल्ड कप, और अगला विट्ठल ट्रॉफी। विट्ठल ट्रॉफी ठीक है। अब इसको देखो कैसे याद करोगे। बोला गया है रोज संतोष डूरंड चाय, है ना, रोज संतोष रोज क्या। अब आगे इसको ट्रिक में याद करते हैं, क्या बोलते हैं, रोज सुबह संतोष ने डूरंड चाय गोल्ड कप में विट्ठल को पिलाई। देखो रोज मतलब रोवर्स, सुबह सुब्रतो, संतोष संतोष ट्रॉफी, डूरंड डूरंड कप, गोल्ड कप नेहरू, और विट्ठल विट्ठल ट्रॉफी। तो रोज सुबह संतोष ने डूरंड चाय गोल्ड कप में विट्ठल को पिलाई। रोज करता है काम, ठीक है, कौन करता है, संतोष करता है। क्या करता है संतोष, गोल्ड कप में रोज किसको चाय पिलाता है, वो विट्ठल को चाय पिलाता है। कौन सी चाय, वो भी डूरंड चाय, आम नया चाय डूरंड, ठीक है, जैसे टाटा अग्नि कैमल, ठीक है, भगवान जो चाय होती है इस टाइप की। हम आपको ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखना है। ये ट्रॉफियाँ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि फुटबॉल की संस्था के बारे में। फुटबॉल की जो सबसे बड़ी संस्था जो फुटबॉल को चलाती है वो कौन सी है, फीफा है। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था का नाम क्या है, फीफा। क्या नाम इसका, फीफा, फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इसका देखो फ्रांसीसी नेम क्या है, इसका फ्रांसीसी नेम क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल। तो फुल फॉर्म क्या है, फीफा क्या है, संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904। 21 मई 1904 कहाँ हुई थी, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई, इसका मुख्यालय है कहाँ है, ज्यूरिख, ज्यूरिख कहाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड। दोस्तों आपने यशराज की फिल्म देखी शाहरुख खान की खासकर, तो उसमें जो उसके सबसे ज्यादा शूट होते हैं स्विट्जरलैंड में ही होते हैं, ठीक, ज्यूरिख। और दिल वाले दुल्हन ले आपने देखी सबसे ज्यादा डीडीएल के, उसके ज़्यादातर सीन जो है मूवी के वो ज्यूरिख के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन, वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी इन्फेंटिनो, ठीक है। अब
हम बात कर लेते हैं आगे कि सदस्य देशों की संख्या क्या है, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी, सदस्य कुल कितने हैं, कुल सदस्य देश दोस्तों इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो ओलंपिक के सदस्य देशों की संख्या से ज्यादा है। ओलंपिक में कितने हैं, 204, इसमें कितने हैं, 211, ठीक है। अब इसके कुछ सिद्धांत दिया था इसने, जब फिफा का कुछ सिद्धांत था, जैसे ओलंपिक का भी कुछ सिद्धांत था, अल्टियस इटियस फोर्टियस है ना, और तेज और ऊंचा और शक्तिशाली, इसी प्रकार इसका भी कुछ सिद्धांत था। देखो वो क्या सिद्धांत क्या था, हम इसके सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो सिद्धांत था हमारा क्या, क्या सिद्धांत दिए थे इन्होंने, फॉर द गेम और फॉर द वर्ल्ड, मतलब खेलों के लिए और विश्व के लिए, फॉर द गेम, फॉर द गेम, और आगे क्या था, फॉर द वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। फीफा की जो आधिकारिक भाषा क्या थी, अंग्रेजी और फ्रांसी, अंग्रेजी फ्रांसीसी जर्मन और स्पेनिश, चार आधिकारिक भाषा थी। जैसे ओलंपिक में 5 थी, इसी प्रकार इसमें फीफा में 4 है, ठीक है। अब आगे ऊपर लिख देते हैं आधिकारिक भाषा, अंग्रेजी फ्रांसीसी जर्मनी जर्मन जर्मनी जर्मन और स्पेनिश। ये तो दोस्तों हमने देख लिया फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ये हमने फीफा में देख लिया। अब हम देखते हैं पहला फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ होता है, और फीफा में कौन सा पुरस्कार दिया था फीफा के लिए, फुटबॉल, फुटबॉल के लिए, फुटबॉल प्रेमियों के लिए, जो फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं उनके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है बैलन डी'ओर। कौन सा पुरस्कार होता है फुटबॉल का सबसे बड़ा पुरस्कार, पुरस्कार वो भी किसका, फुटबॉल का, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, बैलन डी'ओर, क्या नाम है उसका पुरस्कार का, नाम क्या है, बैलन डी'ओर, ठीक है। ये पुरस्कार बैलन डी'ओर सबसे पुरस्कार जो किसी दिया जाता है, पुरुष और महिला खिलाड़ी दोनों को दिया जाता है सबसे प्रदर्शन के लिए, ठीक। अब आगे हम बात कर लेते हैं फीफा की, फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, फीफा वर्ल्ड कप का प्रारंभ कब से हुआ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, ठीक है। जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उस समय कितने देशों ने भाग लिया था, 13 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। कब हुआ था, 1930 में, कहां हुआ था, उरुग्वे में, ठीक है, उरुग्वे में, पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, 13 देशों ने पार्टिसिपेट किया था 1930 में, ठीक है। बात कर लेते हैं कुछ वर्ल्ड कप की पहले की और अभी जो पिछले कुछ दो दिन हुए उसकी बात कर लेते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप पहला कहाँ हुआ था, देखो यहाँ क्रम डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं कहाँ हुआ था, मतलब आयोजक देश कौन सा था, विजेता देश कौन सा था, उक्त विजेता की बात कर लेते हैं और वर्ष की बात कर लेते हैं, किस वर्ष में था पहला जो हुआ था, कहाँ हुआ था,
रुग्वे में हुआ था, विजेता भी रुग्वे था। किसको हराया था रुग्वे ने? अर्जेंटीना को। दोस्तों अर्जेंटीना के आप अपने खिलाड़ी का नाम सुने होंगे, लियोन मेसी, वो अर्जेंटीना के खिलाड़ी है, ठीक है, आपको याद रखना है। पहले नंबर जो हुआ था, कहाँ हुआ था? उरुग्वे में हुआ था, विजेता उरुग्वे था, हराया था अर्जेंटीना को। किस वर्ष हुआ था? 1930। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो बीसवा फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। कब हुआ और उसमें विजेता कौन था? जर्मनी था। उप विजेता कौन था? अर्जेंटीना, ठीक है। कब हुआ था? 2017 में। 21वां जो हुआ था फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? रूस में, ठीक है। इसमें विजेता कौन था? फ्रांस था। किसको हराया थे इन्होंने? क्रोएशिया को, 73-2 के, 2018 में हुआ था। और जो अगला 22वां होगा वो कहाँ होगा? कतर, दोहा, ठीक है। कब होगा? 2022 में होगा। आपको इतना ध्यान रखना है बस, ये आपका फीफा का था। अब फीफा में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बस आप सुन लो और जाते हैं तो नोट कर लेते हैं कि जो अभी 21वां जो हुआ था इसमें कुल कितने देश शामिल हुए थे, कुल टीम कितनी शामिल हुई थी दोस्तों? इसमें 32 देशों की टीम शामिल हुई, ठीक है। रूस में जो हुआ था उसमें 32 देशों की टीम शामिल हुई थी, 8 ग्रुप बने, तीन टीम, ठीक। आगे देखते हैं, सर्वाधिक बार विजेता कौन है फीफा का? फीफा वर्ल्ड कप सर्वाधिक विजेता विजेता की बात कर लेते हैं, ब्राजील 5 बार, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं इटली और जर्मनी, 4-4 बार, दोनों ने 4-4 बार इसको जीता, इटली और जर्मनी ने। फिर हम बात कर लेते हैं अर्जेंटीना, उरुग्वे और फ्रांस। एक बार किसने जीता? वो है इंग्लैंड और कौन है? स्पेन। इन्होंने एक बार फीफा वर्ल्ड कप जीता। दोस्तों आज हमारा फीफा वर्ल्ड कप खत्म होता है, फुटबॉल खत्म होता है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा टेनिस। ये चार जो है मेजर टूर्नामेंट सबसे अधिक होते हैं, फिर तो उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं वो हम देख लेंगे, और इसके बाद बैडमिंटन देख लेंगे, कुछ थोड़ा सा टॉपिक है वो भी छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक है उसमें हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।